पुलिस वालों किसानों ते लाठी चार्ज करन दे नाल करीब 10 लोग जख्मी हो गए। ए लाठी चार्ज उस समय किया गया जदों भाजपा की बैठक का विरोध करन लई जा रहे सन। इस बैठक विच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो इलावा सूबा भाजपा प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ते होर सीनियर आगू भी पुजे सन। इस विरोध किसानों ने सूबे के वख-वख हाईवे ठप कर दिते। देर शाम किसानों ने धरने चुक लए। किसानों के प्रदर्शन का सब तो ज्यादा असर फतेहाबाद चंडीगढ़ गोहाना पानीपत जींद पटियाला अंबाला कुरुक्षेत्र हिसार चंडीगढ़ ते कालका जीरपुर राष्ट्रीय राजमार्गां ते होया। किसानों के धरनिया कारण यात्रियों नूं भारी दिक्कतों का सामना करना पिया। इस दौरान हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दोष लाया कि पुलिस ने किसानों ते बुरी तरह लाठी चार्ज किया। अपने आपके पास ज्यादा मैसेज है प्रधान जी को इनकी लगातार आपकी तो वहाँ पर कोई होगा ना आपका हमारा भी होगा ना सर इन्हों का मतलब यही है भी तुम्हें माड़े रुपए से पीछे भी है आपको इन लोगों से जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं इनका क्या करना है इनको किसान होने ऐसे बात हो जाए फिर यही होता है फिर मिल जाता मौका नहीं जो लड़ रहे थे बंदे ही है नहीं बाहर से आए हुए साढ़े बंदे नहीं मैं अभी देखे भी नहीं है बंदे ये जो मुंडा वो व्हाइट शर्ट वो जो है वो पता नहीं कौन है एक वो ऑरेंज शर्ट वाला अपने तो सारे ऑरेंज वाले की तो बाइक लगवा दी थी ना इसके देखो जबरदस्ती बाइक पाड़ रहे हैं बीच में मोदी को मारकर खट्टर
को मार के तीन योगी योगी बैठा उस मार के। साथियों नमस्कार। साथियों संयुक्त मोर्चे की तरफ से आदेश आया था कि 5 बजे तक जाम रखना है, लेकिन अभी हम बस्ताड़ा टोल पे जहां पे आज 4-5 बार लाठी चार्ज हो चुका है वहां पे मौजूद हैं, और अभी तक हमारे जो गिरफ्तार आदमी हैं उनको नहीं छोड़ा गया है। जब तक वो गिरफ्तार आदमी हमारे बीच में नहीं आते तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। सभी हरियाणा वासियों से बेनती है कि जब तक हमारा अगला मैसेज आप तक ना आए तब तक ये जाम रखें, क्योंकि पता नहीं प्रशासन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। जब हमारे बीच में वो लोग आ जाएंगे उसके बाद हम दोबारा से वीडियो डालकर आपको सूचित करेंगे, और उसके बाद सभी ने जाम खोलना है, वरना जब तक ये हमारे आदमियों को नहीं छोड़ते तब तक ये जाम जारी रहेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।